अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू आई फूड मैनिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ फ्राई माश दाल रेसिपी, जो कि अक्सर आप रेस्टोरेंट या ढाबा वगैरह में जाकर खाते हैं। वही टेस्ट और वही जायका आज हम घर पर बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। पैन ले लें, उसमें हाफ कप ऑयल डालें। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें स्लाइस की हुई प्याज डाल दें एक। अच्छी तरह से प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लें। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए उसमें दो दालचीनी के टुकड़े, 4 से 5 साबुत काली मिर्च शामिल करें, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लें। जैसे ही फ्राई हो जाए लहसुन अदरक, उसमें 3 कटे हुए टमाटर शामिल करें। अच्छी तरह से टमाटरों को भून लें। टमाटरों को इतना भूनें कि इनका छिलका बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। चम्मच की मदद से टमाटरों को मैश कर लें। अब इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया डालेंगे। अच्छी तरह से तमाम मसालों को मिक्स कर लें। थोड़ा सा पानी शामिल करें और मसालों को अच्छी तरह से भून लें। मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन गया है और ऑयल भी छोड़ दिया है मसाले ने। आधा किलो माश की दाल ली थी, जिसको मैंने 2 से 3 दफ़ा पानी से धो लिया था और 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। दाल को मसाले में शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मसाले में शामिल करके दाल को मिक्स कर लें और दाल को हम इतना भूनेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए और इसमें जो पानी है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाए। दाल का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें दाल को और 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ दें ताकि दाल अच्छी तरह से गल जाए। 15 मिनट हो गए हैं, दाल को चेक कर लें। देखें, ऑयल ऊपर आ गया है और दाल भी प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इस पे गरम मसाला डालेंगे। धनिया, स्लाइस की हुई अदरक और हरी मिर्चें भी डाल दें और 5 मिनट के लिए दम पर रख दें। अब दाल के लिए तड़का तैयार करेंगे। 1 टेबल स्पून बटर ले लें, उसमें 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालें, स्लाइस की हुई अदरक डालें, हरी मिर्चें डालें। अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। दाल को कढ़ाई में सर्व करें और जो तड़का रेडी किया था वो दाल के ऊपर डाल दें। ऊपर से हरा धनिया, हरी मिर्चें, स्लाइस की भी अदरक शामिल करें। मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबा माश दाल तैयार है। आप भी बनाएं, एंजॉय करें और मुझे फीडबैक दें।